सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हो सभी? सो फ्रेंड, आज के इस नए वीडियो में आप समझ गए होंगे टाइटल और थंबनेल से कि ये वीडियो किस माध्यम से है। तो इस वीडियो में आपको एक नई ट्रिक देने वाला हूँ जो मजदूर लोगों के लिए काफ़ी लाभदायक है। जो मजदूरों को मजदूरी करते हैं उन्हें सरकार लाभ देती है, तो लाभ की उन्हें जानकारी नहीं होती तो उन तक लाभ नहीं पहुँच पाता है। तो आज मैं इसी विचार पर ये वीडियो बनाया हुआ हूँ, तो वीडियो को अंत तक देखते रहें, वीडियो को स्किप ना करें। तो आज मैं बात करूंगा कि उत्तर प्रदेश भवन एवं सन कर्मकार यानी कि मजदूरी कार्ड की, तो मजदूरी कार्ड अपना कैसे बनवाएं, उससे लाभ कैसे लेंगे। तो मजदूरी कार्ड में आपको क्या क्या दस्तावेज देनी पड़ती हैं उसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको दी जाएगी। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे हाथ में ये मजदूरी कार्ड है, मेरा मजदूरी कार्ड है, तो ये पहचान पत्र भी काम करता है। तो ये मजदूरी कार्ड से हमारे कई लाभ होते हैं, जैसे चिकित्सा सुविधा योजना में 3,000 रुपये सालाना सरकार देती है। तो इस मजदूरी कार्ड से आपको कई योजनाएं मिलती हैं। अगर आपकी लड़की की शादी होती है तो 55,000 रुपये उस लड़की को दिए जाते हैं। अगर आपकी दो लड़की, दोनों लड़कियों को आपको 55,000 रुपये सरकार देगी, और अदर लड़कियों को नहीं, केवल दो ही पुत्री वालों को ये सुविधा दी जाएगी। और दूसरी सुविधा ये है कि अगर आपका आवास नहीं है और आप मजदूर हैं तो इस कार्ड से आपको सरकार आवास भी देगी, और इस आवास में आवास आपको मुफ्त में दिया जाएगा इसी कार्ड के माध्यम से। तो अगर इस कार्ड को आप पंजीकरण नहीं कराना जानते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहें, और इसका पंजीकरण मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा। इसके पंजीकरण कराने के लिए आपको दस्तावेज की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि आधार कार्ड अपना और अपनी बीवी का, और बच्चे हैं तो बच्चों का आधार कार्ड भी लेकर जाएँ। और आपको पहुँचना होगा मजदूरी कार्ड बनता कहाँ है, तो मजदूरी कार्ड बनता है श्रम विभाग में, और श्रम विभाग हर ज़िले में होता है। आप चाहें तो किसी से पूछ सकते हैं कि श्रम विभाग कहाँ पर है जो कि हमें मजदूरी कार्ड बनवाना है। तो अधिकतर लोग जानते हैं श्रम विभाग कहाँ है, तो लोग बता देंगे। जैसे कि मैं पीलीभीत से हूँ, तो पीलीभीत में मैं जानता हूँ कि पीलीभीत में पुरानी तहसील है हमारे यहाँ, तो पुरानी तहसील में ही श्रम विभाग हो गया है, वहीं पर ये सुविधा लागू की गई है। तो इस वीडियो को पूरा देखते रहें, इस वीडियो में पूरी डिटेल आपको दी जाएगी। वहाँ पर जाकर आपको दो फॉर्म मिलेंगे, वो फॉर्म भरना है, और भरने के बाद आपको एक ट्रिक और है इसमें कि अगर आप मजदूर हैं पक्के तभी इसमें लाभ मिल सकता है, मजदूर नहीं हैं तो नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें 90 दिन का काम दिया जाता है। जैसे कि आपने मजदूरी की किसी के घर पे, तो आपको 90 दिन का इसमें काम दिखाना पड़ता है, उस घर वाले से लिखवाना पड़ता है कि मैंने 3 माह तक आपके घर पे काम किया था। तो वो घर वाला आपको लिख कर देगा, तो वो आप लेके जाएंगे फॉर्म, तभी वहाँ पर जमा होगा। फिर वो अधिकारी वहाँ से आपको पूछ के वही नंबर ट्राई करेंगे, उसी नंबर पर जो नंबर आपको काम वाले ने दिया है, तो उस नंबर पर पता करके ही वो मतलब आपको जवाब देंगे कि आपका कार्ड बनेगा या नहीं बनेगा। अगर आपने किसी झूठा नंबर दे दिया कि हमने वहाँ काम किया था, तो इस प्रकार से आपका काम नहीं हो पाएगा। आप काम की असली ही जगह का परिचय दें जहाँ पर आपने काम किया है 90 दिन का। तो हर साल में हमें 90 दिन का परिचय देना पड़ता है, और इसमें लाभ लेने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है उस पर भी मैं एक नया वीडियो लाने वाला हूँ बहुत जल्दी। तो अभी इस वीडियो को देखते रहें, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।